Hey, how's it going, everyone? My name is Madipan and welcome back, everyone, to Hoga Lala SMP. एक ऐसी SMP, guys, जहाँ पर बहुत सारे लोग खेलते हैं. And इस SMP के अंदर, guys, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, सिवाय एक चीज के, guys, इस बिलबोर्ड के. ये बिलबोर्ड, गाइस, जो भी हम लोगों को बोलता है वो हमें करना पड़ता है. अगर नहीं करेंगे तो गाइस ये हमारे ऊपर बिजलियां गिराता है और हम लोगों को जीने नहीं देता है. तो बेसिकली यहाँ पर इसने गुंडा राज अपना किया हुआ है. और ये यहाँ पर कैसे आया, किसने यहाँ पर लगाया, हमें कोई आइडिया नहीं है. एंड क्योंकि हम लोगों को बार बार तंग करता है, दैट्स व्हाई गाइस हम लोगों को इसके बात माननी पड़ती है. एंड जितना क्रूर, गाइस, तुम लोगों के बिलबोर्ड सुनने में लग रहा है, उतना क्रूर एक्चुअली में है नहीं है. क्योंकि ये हम लोगों को सर्वाइव करने का एक मौका भी देता है. इस एसएमपी के अंदर, गाइस, एटलीस्ट एक ऐसी चीज जरूर मौजूद होती है जो, गाइस, इस बिलबोर्ड की कही गई बात को बायपास करने में हमारी मदद कर सकती है. सबसे पहले, गाइस, वो चीज थी हमारे गोल्डन एन्चांटेड एप्पल जो कि चपाती भाई के पास था, मैंने उनसे चोरी कर लिया था. उसके बाद, गाइस, एक और चीज आई थी जो कि एसजू के पास है. लास्ट स्ट्रीम के अंदर, गाइस, मैंने बहुत ज्यादा चतुराई करके भाई साहब वो चीज को मैंने एसजू के पास से लाइक इन्फॉर्मेशन निकाली है. नेदर के अंदर जाकर एक बहुत ही तगड़े एडवेंचर के बाद उस चीज को मैंने निकाला था. एंड गाइस तुम लोगों को एक बात बताऊं, वो चीज को किए गए लगभग महीना हो चुका है, लाइक आई थिंक एक महीने से ऊपर टाइम हो चुका है जितना मुझे पता है. एंड गाइस जब मैं आज वापस आया वो मेरी इन्वेंटरी में वो चीज थी नहीं. ये देखो तुम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो. मैं तुम लोगों को एक बात सच्ची बता रहा हूँ, गाइस, मैंने ना उस चीज को जो कि क्या था, टोटम ऑफ अनडाइंग, गाइस, वो टोटम ऑफ अनडाइंग था, वो चीज अगर मेरे पास होती ना मेरे इन्वेंटरी में तो मैं इस बिलबोर्ड के रूल को बायपास कर सकता था. लेकिन उसको मैं अगर कहीं भी छुपाता, सपोज करो मैं उसको कहीं लाइक 500 ब्लॉक दूर छुपाता, 1000 ब्लॉक दूर छुपाता, तो देयर वाज अ चांस कि कोई भी बंदा उसकी लोकेशन को ढूंढ सकता है कैसे ना तैसे करके. एंड देन वहां से लाइक किसी चेस्ट के अंदर मैं रखूंगा या फिर कहीं भी रखूंगा तो वो उसको इजिली मेरे पास से चोरी कर सकता है. तो गाइस मेन बात यहाँ पर ये है कि मैंने उसको इसीलिए अपनी इन्वेंटरी में रखा था क्योंकि इन्वेंटरी के अंदर से निकालना इम्पॉसिबल है. मैं सर्वर से लॉग आउट कर चुका था. एंड जब मैं गाइस अभी वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर वो चीज है ही नहीं मेरे इन्वेंटरी के अंदर. एंड मैं तुम लोग को एक बात बताऊं गाइस, तुम लोगों को, मैंने गाइस इससे पहले सर्वर के कंसोल के ऊपर चेक किया तो गाइस ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले इस सर्वर के ऊपर मैंने लॉग इन किया था, लाइक जो मेरा नाम है यस स्मार्टी पाए, इससे मैंने लॉग इन किया था सर्वर के ऊपर. एंड आई कैन टेल यू गाइस, मैंने एक महीने से लेके मैं खुद पर्सनली इस सर्वर के ऊपर आया नहीं हूँ भाई, मैं इसीलिए गायब था. तो इसका मतलब तुम लोग समझे गाइस, किसी बंदे ने मेरे अकाउंट को हैक किया एंड देन उसके बाद इस सर्वर पे आकर वो पर्टिकुलर चीज जिसकी वजह से गाइस मैं इस वक्त सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड था इस सर्वर के अंदर, वो चीज चोरी कर दी है. अब तुम में से कई लोग नए होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ. यहाँ पर लिखा गाइस यू आर नॉट allowed to wear armor. And अगर guys एक नॉर्मल बंदा इस एसएमपी का आर्मर पहनेगा तो वो मर जाएगा, वो जिंदा रह ही नहीं सकता. एंड तुम लोग खुद सोचो गाइस, अगर तुम लोगों के पास आर्मर नहीं है तो तुम लोग लाइक नेदर के अंदर ढंग से एडवेंचर नहीं कर सकते, एंड में नहीं जा सकते, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. कोई भी पीछे से आकर तुम लोगों को एक और दो फटके मारेगा एक्स के तो तुम लोग मर जाओगे. तो वो जो चीज थी गाइस जिसकी वजह से मैं बाईपास कर सकता रहा इस रूल को, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आर्मर्स भी पहन सकता था. एंड नाउ आई कैन नॉट वेयर आर्मर है भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है. तो गाइस मुझे सबसे पहले तो पता लगाना है कि वो कौन बंदा है जिसने भाई साहब इस चीज को चोरी किया है मेरी इन्वेंटरी से, किसने हैक किया, कोई हैकर है हमारे होगालाल एसएमपी के अंदर जिसने कांड किया है मेरे साथ, उसको ढूंढना है, उसको मारना है एंड अपनी चीज को वापस भी निकालना है. तो आई गेस मैं सबसे पहले एक एक करके चेक करता हूँ यार आसपास. ड्रीम बॉय अगर मुझे सामने ड्रीम बॉय के पास जाते मे बी अगर वो हुआ यहाँ पर तो. ऑलराइट, हाँ ड्रीम बॉय अंदर है. ड्रीम बॉय हेलो, हेलो ड्रीम बॉय, यू यो, हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, आपसे कुछ सवाल पूछने, मैंने आज तक कोई है तो नहीं यहाँ पे भी, सुनो मेरी बात. आपको पता है कि यार होगालाल एसएमपी के अंदर भी सेम वही हो रहा है जो हमारे साथ हिमलैंड्स वगैरह में हुआ करता रहा है ना, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है. एंड आपको कुछ अनयूजुअल सा फील हुआ पिछले, लाइक मैं तो एक महीने से लेकर आया नहीं यहाँ पे, तो कुछ एक महीने के अंदर लाइक कुछ अनयूजुअल है कुछ ऐसा अजीब सा आपके साथ? यार भाई अनयूजुअल सा तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये ट्री पूरा का पूरा अनयूजुअल है. और मेरे को एक बात बताओ भाई, आप इतनी टेंशन में क्यों रहते हो? अभी तो आपको पता है ना हमारे पास वो पावरफुल टोटम है मेरे भाई, जिसका रैंक कर देंगे. टोटम हमारे पास तो पावरफुल वाला है, बट आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने प्लान ये किया था कि मैं उसको कहीं पे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कहीं छुपाऊंगा तो कोई भी बंदा उसकी लोकेशन ढूंढ सकता है, राइट? एंड अगर उसकी लोकेशन ढूंढ लेगा तो वो उसको चोरी कर लेगा, कितना इजी हो जाएगा सब लोगों के लिए. लेकिन भाई आप यकीन मानना मेरी इन्वेंटरी से चोरी हो गया, वो क्या मेरी इन्वेंटरी के अंदर से माल चोरी हो चुका है. ए भाई देखो मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट, अगर आपको मुझे टोटम नहीं देना तो डायरेक्टली बोल दो ना, ये सिर्फ बहाने क्यों मार रहे हो, इन्वेंटरी में से क्या चोरी होता है? मैं एक बात बताऊं, मैंने उसको कहीं छुपाया नहीं था और मैंने एक महीने पहले लॉग आउट कर दिया, मैं सर्वर के ऊपर आया ही नहीं तब से लेकर, एंड सर्वर के अंदर से लाइक मेरी इन्वेंटरी से गायब हो गया. हे भगवान भाई इतना सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो मेरे सामने? मेरे सामने उस दिन तो बड़ा घूम रहे थे तुम, एक हफ्ते पहले की बात है, जब बोल भी नहीं रहे थे, मैं कह रहा था स्मार्टी भाई टोटम दिखाओ टोटम दिखाओ, तो चैट पे कह रहे थे कि ए भाई दिखाता हूँ ना, काम है काम है काम है,
क्या काम है? कब की बात है? कब की बात है? जो आपने मुझे ये बोला कब की बात है ये? अभी एक हफ्ते पहले की बात है गाइस, कंफर्म हो गया 100% ब्रो। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको टेस्ट कर रहा था ये चीज के लिए कि कहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताओ। स्वेयर टू गॉड, मैं पिछले महीने से लेकर लॉगिन नहीं किया सर्वर के ऊपर। मैंने किसी बंदे ने मेरे अकाउंट से लॉगिन करके यहाँ पर आया, जिसमें मेरा अकाउंट हैक किया किसी ने, और वो जो भी हैकर है ना, उस बंदे ने इस सर्वर के ऊपर आकर, ये कौन है भाई बाहर जो बकवास कर रहा है? ऑलराइट, इस बंदे का खेल तो मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। तो भाई ड्रीम भाई, मैं आपको बता रहा था कि कोई बंदा ना एक हफ्ते पहले शायद से मेरे अकाउंट को हैक करके यहाँ पर आया, एंड उसने मेरी इन्वेंटरी के अंदर से उस चीज को निकाल दिया। यार अब क्या करें, कौन है वो? अकाउंट हैक कैसे हो सकता है? आपने कहाँ लॉगिन करा है भाई? मैं बोलता हूँ, कुछ याद नहीं है, पर जिस किसने भी किया है ना भाई, वो हमारे मतलब सर्वर का ही बंदा, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मतलब निकालनी पड़ेगी। एक सेकंड, मतलब वो बंदे आप थे ही नहीं? मैं नहीं था, वो था, मुझे ही क्या था भाई, मैं आपकी बात ही सुनता क्या? आपको क्या लगता है आप मुझे बोलते हैं स्मार्टी भाई आ जाओ, वीसी आ जाओ, मैं आपसे बात करने नहीं आता कि इतना काम में बिजी थोड़ी रहूंगा मैं? आपको पता है क्या स्मार्टी भाई? हाँ? आपको पता है क्या, मैंने उस बंदे से एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन उस बंदे को पता था, और वो तो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन? पता है मैंने क्या पूछा था? हाँ? मैंने कहा था कि स्मार्टी भाई के पास कौन कौन से दो फोन है। मैंने कहा था स्मार्टी भाई आपके दोनों फोन ठीक है ना, वही वाले? तो उसने कहा कि अरे भाई दोनों से मैं चांद देख सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो ब्रो? इसका मतलब है कि ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, हैक हो चुका मेरा सिस्टम, हैक हो चुका है यहाँ पे अपने को। और सुनो मैं एक बात बताऊँ, कोई बाहर का बंदा नहीं है, हमारे SMP का ही कोई ना कोई बंदा है जिसने किया है। क्योंकि आप खुद बोलो यार, ये जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, टोटम था, हमारे इस सर्वर के अंदर आना ही इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये गाइस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाइट लिस्टेड होता ही नहीं बाहर का बंदा, तो यहाँ पर अगर कोई आया ना ड्रीम बॉय हैक करके, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट होगा भाई, वाइट लिस्ट होगा ही नहीं। एंड वो अलग बात है कि मेरे अकाउंट से आकर सामान निकाल कर किसी चेस्ट में डाल के अपने मेन अकाउंट से आ जाएगा, तो उस चेस्ट से वो टोटम को निकाल देगा भाई। हमारे ही मेंबर है, हमारा ही बंदा है कोई सर्वर का। यो स्मार्टी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पे एक आइडिया, मेरे पे एक बहुत तगड़ा आइडिया भाई। एक काम करते हैं, अभी हम लोग किसी पे भी ट्रस्ट तो कर नहीं सकते, तो मैं जाता हूँ चपाती भाई के पास, आप जाओ ईशान भाई के पास, और वहाँ पर जाओ कुछ पूछताछ करो उनसे, अगर कुछ पता चलता है। मैं जाता हूँ ईशान भाई के पास, बस होने भी चाहिए सर्वर पे, एक तो यहाँ पे टैब दबता नहीं है भाई साहब, तो पता नहीं चलता कि बंदा सर्वर पे है कोई कि नहीं। मुझे दिख रहा है ड्रीम भाई, मुझे ईशान भाई दिख चुके अपने घर के बाहर खड़े हैं, घर के बाहर भाई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चपाती भाई तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इसका मतलब सर्वर पे नहीं होंगे ना, आप वापस आ जाओ। एंड बाय द वे यार, रचित्रो पता नहीं कहाँ पर है भाई, एक तो उसका घर भी नहीं है, सर्वर पे है कि नहीं है आई हैव नो आइडिया। एंड चपाती भाई, ये ईशान भाई तो दिख रहे, जल्दी और भाई कहाँ पे हो आप? रुको मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट दो मेरे को। आप किस डायरेक्शन में गए हो? आप इधर आओ, सामने हो पीछे हो, राइट साइड, घर के सामने आओ, आप एक बार यही राइट में आ जाओ, देख सामने। अब मेरी बात सुनो, बहुत चलाकी के साथ बातें करनी पड़ेगी इनके साथ, ठीक है ना? बहुत चलाकी। ओके मैं जो करूंगा आप बस मेरे पीछे पीछे रहो, आ जाओ। अरे आप टेंशन मत लो भाई, एक एक अंदर का सब कुछ उगलवा दूंगा, आ जाओ। खतरनाक ग्राफिक्स बना देंगे आज तो, होगा ना नीचे आओ ना। नीचे कहाँ पे? अरे नीचे आओ ना यार, देखो मैं बिल्कुल बाहर हूँ यार। मेरे को ना ईशान भाई आप एक बात बताओगे क्या यार, जैसे आप खतरनाक ग्राफिक्स वगैरह लगा देते हो, ऐसे आप डायमंड के खतरनाक ग्राफिक्स बना सकते हो? बना तो सकता हूँ, लेकिन डायमंड्स बचे नहीं यार, एक हफ्ते पहले ना स्मार्टी आया था उसको मैंने डायमंड्स दे दिए। अरे यार ये लो ना गोल्डन कैरेट, लो और मेरे को डायमंड दो। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? हेलो हेलो हेलो, वेट वेट ईशान भाई, वेट ईशान भाई, डर क्यों रहे मुझसे? एक सेकंड व्हाट भाई, आपने धमका के डायमंड्स लेते मेरे से, मैं नहीं दूंगा। क्या, कब की बात है? ड्रीम बॉय भाई आप सही सोच रहे हो यार स्मार्टी भाई, लेजिट ये बात सच है। ईशान भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप सामने हो, आपको लगता है मैं आपको धमकी मारूंगा यार? आपको लगता है? आदित्य आपने बोला था उड़ा दूंगा ऐसा। अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास टोटम था कि नहीं था वाला? हाँ पूरा आर्मर पहन के आते। एग्जैक्टली, आपको मैं एक बात बताऊं, आप याद करो लास्ट टाइम पे जब मैंने वो टोटम वगैरह चोरी कर दिया था, लाइक नेदर के अंदर से निकाल कर, है ना, एसजीओ के सामने से मैं थोड़ी चौड़ मारा था कि अब तो मैं सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड स्ट्रीम पे गया था हमने, उस दिन के बाद मैं आज लॉग इन कर रहा हूँ सर्वर पे, आज जो एक हफ्ते पहले हुआ है ना। आपको पता है किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया, एंड मेरी, क्योंकि मैंने ना कहीं पे किसी लाइक ऐसे चेस्ट के अंदर सामान छुपाया नहीं था, क्योंकि सामान चेस्ट के अंदर से कोई भी चोरी कर सकता, राइट? तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी इन्वेंटरी में रखा था, तो भाई किसी बंदे ने मेरी इन्वेंटरी के अंदर से माल निकाल दिया है, आपको पता है, और वो अब किसी गलत हाथ में पड़ चुका है। ओह शिट डूड, दिस इज सो अजीब यार। किसने? व्हाट
आई हैव नो आइडिया. हमें लगा पहले मुझे लगा ड्रीमबा ने क्या होगा, ड्रीमबा से कंफर्म हुआ, फिर लगा आपने भी क्या हो सकता है, शायद फिर आपसे भी कंफर्म हो गया है. अभी और पता नहीं कौन कर सकता यार ये चीज. यार भाई कई बिलबोर्ड ने आपको कुछ ये तो नहीं दिया पनिशमेंट? नहीं नहीं देखो पनिशमेंट वगैरह बिलबोर्ड ने मुझे कुछ भी नहीं दी है, बट मेरा अकाउंट हैक करके कौन आएगा सर्वर के अंदर? देखो हम तीन तो नहीं है, कैसे सुनो मेरी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं, हम तीनों भी साथ हैं. अब हमारे अलावा ही किसी ने एक बंदे ने चोरी किया, वो रचित्रो चपाती या फिर एसजीओ दोबारा से, ठीक है ना. हम अभी किसी पर ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, तो अभी हम लोगों को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जान को खतरा है, जान को खतरा है. कभी भी रूल चेंज हो सकता है, कभी भी यहाँ पे कोई नया ऐसा रूल आ सकता है जो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाए. तो भाई हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए कुछ भी हो जाए वो चीज़ की जरूरत है, जिससे हम लोग इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं. अभी प्रॉमिस करते हैं गाइस, किसी भी बंदे के पास वो आएगा हम लोग शेयर करेंगे आपस में, ठीक है ना, किसी के पास भी आएगा इस बार पक्का प्रॉमिस करो. देखो पक्का प्रॉमिस है मेरी साइड से, पक्का प्रॉमिस है रिम्बा, पक्का प्रॉमिस आपकी साइड से? अरे मैं तो पैदा होते प्रॉमिस करके पैदा हुआ था भाई. चलो आप बताओ रिशान भाई, पक्का प्रॉमिस आपकी साइड से? ये देखो मेरे मुर्गियों की कसम. डन है भाई, तो सारे के साथ हम तीनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा. भाई ईशान भाई गलत बात कर रहे हैं, वो अपनी मुर्गी की कसम खा रहे हैं, और इनकी मुर्गी अगर मैं पेल दूं तो ये कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, 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 तो नहीं, कसम भी नहीं. भाई आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, आपको पता है बिलबोर्ड आपका बटन दबवा देगा सीधा ही. बात है यहाँ पर बिलबोर्ड हमारा स्ट्रिक्ट भी है, कोई भी गलत काम करोगे तो ऐसा बटन दबवाता है कि आप पता नहीं कहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हो. तो ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दो इसका, ठीक है ना. ओके ओके बिल्कुल भाई, अच्छे समझ गया. लेकिन मैं अभी अपने घर जाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे जरूरी काम है भाई. ओके क्या काम है भाई? हेलो अब मैं डिस्कस करने वाला था, अभी क्या प्लान बना सकते हैं हम लोग यार. अरे अब करो ना यार, मेरे थोड़ा गोल्डन कैरेट वगैरह लेने जाना है मेरे. जाओ 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 ईशान भाई, मैं और आप थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. सुन 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 बोलो. त्रिम्बा ये अजीब टाइप से गया, एकदम सस्पिशियस वे में, है ना. आपको पता है इसने पहले भी झूठ झूठ बोल के क्या झोल किया था बड़ा वाला. हाँ, यहाँ पे घर घूर फोड़े थे इसने बहुत सारे, इससे ऐसी सब चीजें की थी. वैसे तो आप तब साथ में थे उसके, लेकिन ये ऐसी चीजों में बहुत साथ देता लोगों का, तो क्या पता ये किसी के साथ मिला हुआ भी हो सकता है. देखो स्मार्टी स्मार्टी, जितना आपने देखा होगा अब तक कि मैं जो भी बोलता हूँ हमेशा सच चीज बोलता हूँ जो भी पूछोगे, लेकिन एसएमपी में बाकी लोग ऐसे है ही नहीं. तो आप बाकी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरे पे कर लो भाई. मैं सच्ची तो आप बोल रहे मतलब मुझे इस वक्त ड्रीम पर पे विश्वास नहीं करना चाहिए. हाँ मतलब थोड़ा ऐसा दिखाओ विश्वास कर दो. रुको 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 इतना मत करो भाई, आप वहीं रहो मैं आता हूँ जरा एक बारी. हाँ कुछ तो झोल लग तो रहा है मेरे को. स्मार्टी स्मार्टी कहाँ गए? हेलो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया घर के बाहर. बोलो. अरे मत जाओ मत जाओ, रुको रुको एक चीज इधर आओ इधर आओ. चलिए चलिए क्या हो गया? क्या 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 सर? देखो देखो भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा कर सकते हो. देखो ये चीजें ले लो. सही क्या भाई, मुझे टूल्स वगैरह पढ़ा दो अब थोड़े बहुत. भाई टूल्स की जरूरत थी मेरे को. आपको काम की चीजें काफी ज्यादा. ये देखो मैं ना आपको एक खतरनाक चीज दे रहा हूँ, एक्चुअली दो चीजें दे रहा हूँ. तो पहली वाली तो ये TNT ले लो, ठीक है, ये कुछ काम आ जाएंगे आपके. सही सही, कभी ना कभी सेफ्टी के लिए काम आ जाएंगे. सुनो भाई सुनो, और एक इम्पोर्टेंट चीज है ये देखो. ये ले लो फ्लेम का ब्लोअर. ओ शिट डूड, मेरा इम्पोर्टेंट ब्लोअर, काफी इम्पोर्टेंट. सही है सही है सही है सही है, ये मेरे काम आ जाने वाला है. किसी ने का कुछ भी बकवास करी तो सीधा पोल दूंगा भाई उसको मैं. दूर से मार सकते हो आप, जरूरत नहीं. अन्ना डाटा है भाई इसका नाम तो. ओह माय गॉड, वैसे हम लोग यार ड्रीमबा पे शक करें, मुझे लग तो नहीं रहा है कि भाई ऐसा कुछ करेगा. तब तो काफी जरा अजीब बात. लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी तुम सब लोगों को पता चला ना कि कैसे तुम्हारे ड्रीम बॉय ने बनाया पागल इन सबको. भाई मैं बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ भाई, इन लोग को पागल बनाना बहुत ज्यादा ईजी है. तो बस मौज है भाई, ड्रीम बॉय तो इतना ओपीएस कैसे पर्सन है यार. ये देखो मेरे पास ये भी है ये भी है ये भी. अरे यार सब कुछ है भाई, सब कुछ है. स्मार्टी भाई का क्या पागल बनाया यार मैंने, शिट मैन. और कर लो यकीन ड्रीम बॉय मेरे को पता. अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं तुम सब लोग को बताता हूँ कि पहले स्मार्टी भाई ने क्या किया था मेरे साथ. जब वो जेल से आए थे उन्होंने मेरे को बोला था कि ड्रीम बॉय मेरी मदद करिए कर वो कर, और एंड में फंसा दिया था ना मेरे को ही. मतलब मैं ही बनाऊं भाई तेरी ऐसी की तैसी, तू हमारे को बताएगा? नहीं नहीं नहीं, तू हमारे को बताएगा यहां पे? ड्रीम बॉय कंफर्म हो चुका है. ईशान भाई इनको आवाज आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं. रुको अरे भाई मैं स्लैश स्लैश करूंगा इनको. ए रुक जा ड्रीम बॉय. ड्रीम बॉय जहां खड़ा है उसके सिवाय कभी कुछ और करते भी हो क्या? ड्रीम बॉय जहां खड़ा वहीं पे रुक जा. ड्रीम बॉय जहां पर खड़ा वहीं रुक जा. अभी यहां पे सीन हो जाएगा, अभी यहां पे कांड हो जाएगा आपके साथ. ड्रीम बॉय देख ले तूने मेरे साथ स्कैम किया है. ए भाई मैं क्यों रुकूं, मेरे को मेरे बेटे तू मरने वाला. निम्बा देख मरेगा तो सारा सामान छूट जाएगा, पता नहीं कहां स्पॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है. रुक जा जहाँ पे रुक जा कितने हर्ट्स है जहाँ पे रुक जा. खाना लिटरली अभी कभी सिर्फ चार आइटम आई. खाना नहीं खाएगा ठीक है ना, खाना बिल्कुल नहीं खाओगे. यहाँ देखो मैंने यहाँ पर एक्स पकड़ी हुई है कि चार हर्ट है ना, एक दो फटके तो मैं आपको मारने वाला ठीक है ना. बिल्कुल कम हर्ट है. खाना नहीं खाओगे
अगर खाया गलती से भी तो भैया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। आप यहाँ मर जाने वाले हो। आप अभी यहाँ पर क्या बातें करते मुझे बताओ, क्या वो सब कुछ क्या हो रहा था अंदर? अरे यार भाई स्मार्टी भाई, आप मेरे को बहुत गलत समझ रहे हो यार, इस चीज को नजरअंदाज करो। मैं क्लिकबेट कर रहा था ऐसे ही। क्लिकबेट एक से खड़ा रहे मुंह सामने, अगर हिले तो मैं फटका मार दूंगा, मर जाओगे। व्हाट द हेल भाई, मैं डर गया पीछे यार। आप मुझे एक बात बताओ। खड़े रहो। मैं कह रहा हूँ भाई, जब मैंने क्लिकबेट करने के लिए बोला था वो, तो आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप मेरे अच्छे दोस्त हो, हमेशा आपकी मदद करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एक सेकंड भाई, मैंने बुला दिया ईशान भाई को, ठीक है ना। अबे तू जा रहे यहाँ से। डिम भाई मैंने अभी क्लियरली सुना है, आपने बोला था कि मैंने तो क्या पागल बनाया इन लोगों का। डिम भाई वो हैकर आप ही हो ना? क्या देख ले मेरे पास बहुत तगड़ी सो हुई है, बहुत तगड़ी। अब भी मर जाओगे एक सेकंड के अंदर, अब भी। और इसी अरे भाई मैं बचपन में ना सिर्फ और सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस इन सब को हैक करने की कोशिश करता था। गलती से लगी मार्क्स, सॉरी बट मैं हम लोग का हमारा कल्प्रिट मिल चुका है। अभी आपने एकदम सही बोला था, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते भाई साहब। इस बंदे ने पता क्या किया, पीठ पीछे जाकर अपने घर के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं तो ना क्लिकबेट वीडियो बना रहा था। समझ क्या बोला, इन दोनों का मैंने क्या पागल बना, स्मार्टी भाई का मैंने क्या पागल बना, समझ रहे आप? ऑलमोस्ट अभी हाफ हार्ट पे होगा, कितने हार्ट पे आप भाई? लिटरली मेरे पास सिर्फ एक हार्ट पड़ा है भाई, प्लीज। इसके ना भी बहुत ही कम हार्ट से मैंने इसको बहुत गंदा डैमेज दिया। डिम्बा ईशान भाई सुनो, आपकी वाली जेल का है जहाँ पे उसको रखा हुआ था, आप लोगों ने रचित्रों को चोरी किया था। ओए एक सेकंड, मेरे को अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। वो तो चुप चाप एक हट पे है, ये देख रहा है पिछवाड़े के भाई, ये फाड़ दूंगा। मेरे को सब समझ आ रहा है, जेल वेल का है क्या? मैं हमेशा किडनैप होने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? मेरे को ये सब करोगे क्या भाई? वन हार्ट पे है ना ये। लैब तू हाफ हार्ट में खड़ा रहे, तू हाफ हार्ट में टीम पे खड़ा रहे, हाफ हार्ट में भागोगे भैया कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ भाई, साथ साथ चले मारे ईशान भाई, आप आगे चलो जहाँ पर वो जेल है, मैं इसको चल। और तू उनका पीछा करता रहे पीछे। टीम देख मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं फोड़ दूंगा अभी तेरे को, चल जल्दी कर भाई। अभी मैं सीरियस हूँ, ये स्कैम नहीं चलेंगे भाई यहाँ पे। ईशान भाई कन्फर्म्ड है कि यही बंदा हैकर है, इसने हैक किया है। मैं नहीं हूँ यार भाई, लेजिट मेरे को हैकर कर। ईशान भाई एक सेकंड, हाँ ईशान भाई आपके पास तो बहुत सारे गैजेट्स हैं ना, तो आप वो लाइट डिटेक्टर कर लो मेरे पे। अबे मैं तेरे को मैं पीछे ना टीएनटी डाल दूंगा, चल ईशान भाई आप आगे चलो। सुनो हाँ ट्रिम्बा, ये देखो ये क्या मेरे हाथ में बम्बू दिख रहा है, बम्बू बता ना क्या होगा बम्बू के साथ। आप चलते आप चलते रहो, इसको हम लेके जाएंगे। चल चल चल, मेरे पास ना पूरी की पूरी एक्स है भाई, सिंपल बात है भाई, डायमंड एक्स। ट्रिम्बा अगर आपने कुछ भी गलत बोला तो मुझे आपको मारने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको ना इस मेलन स्लाइस से ही मार सकता हूँ, ठीक है? सबसे बुरी मौत होगी पीवीपी के। बस तो अंडे से मार सकते हो गलत, पर मेरे पास गलत हो रहा है यार इस मॉडल में, आपको भी पता है यार। अभी रुको, आपसे पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे। ईशान भाई थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है ना, फास्ट चलो। आप गाड़ी ड्रीम भाई तू भागता रन के पीछे, आसपास कैरेक्टर के चलिए, ठीक है ना। चल 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 फटाफट चलो यार, मेरे साथ ही हमेशा क्यों गलत होता है? अरे भाई क्यों कर रहे हो भाई, मतलब मान लो ना। चल जहाँ बोल रहे ड्रीम भाई, क्यों टीएनटी फोड़ने मजबूर कर रहे हो? छोड़ो भाई, पाव से मार दूंगा यार, पाव तो शक्ति बन जाएगा। चल 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 जल्दी चल। ओ माय गॉड ब्रो, क्या जेल बनाई है आप लोगों ने लास्ट टाइम पे ब्रो? कोई चांस ही नहीं पता लगने का, यहाँ से चलो जेल भी हो सकता। ओ माय गॉड, कितना सीक्रेट है ब्रो ये। अरे भाई साहब यार, कितना इम्पॉसिबल था इस चीज का पता लगाना। चल इम्पॉसिबल गया भाड़ में, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई अंदर लावा वावा, अंदर चल अंदर चल अंदर चल, टीएनटी पिछवाड़े पे लग जाएगा आपके। ले एंट्रेंस पे देख ले, दो टीएनटी लगे, हम तो बच जाएंगे, आप मर जाओगे। चल चल अंदर चल। अरे भाई आगे खाई पीछे कुआं, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मर गया मैं। अबे इधर आ, तो चुपचाप से जो मैं, इधर आ यहाँ चढ़ जाओ पर। रिम भाई कम ऑन जल्दी, टाइम नहीं है, मारो छलांग मारो, छलांग मार सामने प्लेटफॉर्म पे। स्मार्ट भाई दोस्त आप मेरे यार। अरे यार रिम भाई जल्दी छलांग मारो, टाइम नहीं है वेस्ट करने का, राइट क्लिक कर उस पे, जितना बोला। हाँ वैसे उतर जा, उतर जा, सोना नहीं है, उतर जा बस, बहुत बड़ी। अब मेरी बात सुनो भाई, ईशान भाई दूसरे जाओ, मैं यहाँ पे आता हूँ। चल भाई अभी आप हाफ हार्ट पे हो, तो अब आपको यहाँ पे हमको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। अब बता कि क्या बात थी एग्जैक्ट बात। अरे भाई बात बात का क्या नहीं बता, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मैं लेजिट क्रिकबेट करने के लिए बोल रहा था, इससे तो कुछ भी नहीं है। पता क्या वाला था, और कैसे तुम लोगों ने देखा भाई, क्या मैंने बेवकूफ बनाया इन लोगों का यार, स्पॉटी भाई तो मान गए। इस तरीके से बोला इस बंदे ने भाई साहब, हमें बेवकूफ ना समझो, हम लोगों ने इतना तो माइनक्राफ्ट खेला है, हमने इतने तो एसएमपी के अंदर खेला, ठीक है ना। ये आपको पट्टे मार के पड़ेगा, पट्टे मार के
भाई स्मार्टी भाई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ और उस पर अपना स्टैम्प भी लगा सकता हूँ और साइन भी करके दे सकता हूँ कि वो मैंने सिर्फ क्लिक बेट के लिए बोला था। सच में क्लिक बेट के लिए बोला मतलब क्या होता है यार? आप अपने में क्या क्लिक बेट से बोलते हो क्या भाई? अपने में क्या मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता भाई, सच यही है। आप चाहे ना तो मेरी आने वाली वीडियो देख लेना भाई, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ही तो कर रहा था, उससे ज्यादा क्या था बताओ भाई। रिम बॉय यार सच बताओ, आपने हैक कैसे किया? आप सर्वर पे कैसे आए? और मतलब सब कुछ सच सच बता दे भाई। ले लगा दूंगा मैं क्या बोलता हूँ, पीछे देख ले, पीछे आग लगी हुई है। क्या बोल रहे हो? ये बंदा है ना थोड़ा सा वैसे भी बेवकूफल है। हाँ तो इसके साथ कोई मिला होगा, ये अकेला नहीं कर सकता इतनी बड़ी चीज़ें। ओह माय गॉड, ए भाई एक सेकंड, क्या आपका नाम खतरनाक से शुरू होता है तो खतरनाक ब्रेन आपके पास ही है क्या? हाँ इनके हाँ में भी कॉन्फिडेंस है। अरे यार बस प्रूफ हो गया। देखा 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 ये बंदा कितना खुश हो चिकन के मरने से। वाह वाह, यही इविल बंदा है भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आप लोग का दोस्त हूँ, मेरे को भूल गए भाई। मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करो कि आप एग्जैक्टली क्या है। मुझे बस मुझे कन्विंस करो आप कि आप नहीं हो, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ अभी कि आपने ही सब कुछ चोरी किया है। ठीक है भाई मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, बताऊँ अभी आपको? बताओ भाई। मेरी बात पे तो यकीन आपको होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि भाई मैं कभी हैक वैक नहीं करता हूँ। मैं हैक क्यों करूंगा? मैं तो प्यारा सा ड्रीम बॉय अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अंडे मत मारो यार, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसके लिए मैं बोल रहा था कि भाई मैंने स्मार्टी भाई और ईशान भाई को क्या पागल बनाया जस्ट फॉर क्लिक बेट माय फ्रेंड। नहीं हाँ मुझे यार यार स्मार्टी भाई आप भी तो करते हो, ऐसी वीडियोस बनाते हो, तो वैसे मैं भी बना रहा था यार। इसमें क्या हो गया, हर यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाता है ऐसे यार? नहीं यूट्यूबर तो बनाता है, पर ईशान मुझे यकीन नहीं हुआ इस बंदे पे यार। मतलब ये मतलब अजीब कोइंसिडेंस कैसे हो गया ऊपर से? सुनो सुनो, इसको वो वाली वीडियो बनानी थी, ये आपके ये उसी टाइम पे क्यों, जब हम लोग प्लान बना रहे हैं कि भाई हम लोगों को टोटम वापस चाहिए उसी टाइम पे क्यों भाई? उसी टाइम यार भाई देखो स्मार्टी भाई सच यही है, मैं ये सब हरकतें नहीं करता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरी शक्ल देख के मैं हैक वगैरह करता हूँ भाई? इन सब चीजों में नहीं हूँ भाई। मैं एक्चुअली आपको क्या भाई कमाल की बात करता हूँ, आप एसजी भाई से पूछो ना, वो भी तो है। एक सेकेंड स्किन ब्रो वेट क्या आपको बहुत वियर्ड बात बताऊँ क्या? बताओ ब्रो, जब आप एक हफ्ते पहले आए थे ना, आपके आने से पहले एसजो भाई आए थे, एसजो भाई जैसे ही डिस्कनेक्ट हुए वैसे ही आपकी एंट्री हुई वापस से, फिर जब आप डिस्कनेक्ट हुए तो एसजो भाई आए और ये रिपीट होता रहा। कम से कम 5 बार हुआ ये, एसजो भाई आए, आप डिस्कनेक्ट हुए, एसजो भाई डिस्कनेक्ट हुए, आप एंट्री मारे, ये सर्वर के अंदर हुआ था। तो आप एसजो भाई से पूछो ना जाके भाई, इसका मतलब समझे आप भाई? इसका मतलब ये है कि एसजो भाई ही थे वो बंदे, क्योंकि जब एसजो भाई आ रहे थे आप नहीं थे। मतलब एसजो भाई एक ही पीसी के अंदर कंट्रोल कर रहे थे दोनों अकाउंट्स को, समझ रहे हो? ईशान भाई यकीन हुआ इस बात पे आपको? मतलब ये पॉसिबिलिटी तो है अब, क्योंकि इस बात पे तो मुझे भी यकीन हुआ। ड्रीम बॉय आर यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि देखो स्मार्टी एक बात भूल गया हम, इसका हम लोगों ने हाफ हार्ट किया, इसके पास आर्मर वगैरह इससे पहना नहीं, क्योंकि समझो ये बात क्यों नहीं बोली ड्रीम बॉय तू? अरे यार ध्यान नहीं दे, तो एक काम कर ड्रीम बॉय, अभी जो लग जाएगा बता भाई, अभी लग जाएगा बता तूने चोरी किया कि नहीं किया है। क्या बोलते हैं, पहले खाना खा ले, खाना खाओ जल्दी 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 खाना खाओ, खाना पड़ा है ना, खा लिया, खाना खा लिया, हर्ट जेन हुए, कुछ भी पड़ा है आर्मर का? नहीं कुछ भी नहीं पड़ा। इशान भाई आपके पड़ा होगा कोई ना कोई छोटी मोटी चीज, आप दो जरा इसको। मेरे पास हाँ एक ये पड़ा मेरे पास। अरे नाइस ब्रो नाइस, तू खाना खा ले, अपने आपको रीजन कर, अभी लग जाएगा ना पता। अरे हमने ध्यान नहीं दिया तब से लेकर भाई, ये चीज टेस्ट करनी चाहिए थी अपने को, कब से लेकर टेस्ट करनी चाहिए थी भाई। ले 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 खड़ा रह जगह पे, खड़ा रह जगह पे, इसको पकड़ ले ठीक है ना, पकड़ कर इसको, पकड़ कर इसको और पहन ले भाई। एडवांस में पता नहीं क्यों आ रही, हमने पहले भी आर्मर्स वगैरह तो पहने हुए, पहनो इसको ड्रीम भाई, पहनो ड्रीम भाई, 1 2 3 लेट्स गो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, इसी के पास है ड्रीम भाई, आप ही के पास है ना वो भाई। मेरे पे कुछ भी नहीं है, क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं उल्टा खुश हो रहा था भाई। निकाल इसको सर के ऊपर, निकाल इसको, अरे उतर ले। ओके ओके, गॉट इट, मरने वाला तो नहीं है भाई, पानी नहीं मेरे पास, ठीक है। अरे नीचे मालूम भाई, ठीक है, बहुत अच्छा मैंने खा लिया था। देखो ईशान भाई कंफर्म तो हो गया कि इसके पास तो नहीं है, तभी इसके ऊपर बिजली गिरी है, ठीक है ना। अभी आप एक काम करो ईशान भाई, मेरे सुनो, आप यहीं पे रहोगे, इस पे निगरानी रखो कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। अभी जो इसने बोला है वो थ्योरी, एसडी वाली थ्योरी, उस पे मुझे विश्वास हो रहा है। एक सेकंड, मतलब मैं ऐसे ईशान भाई, मतलब मैं ऐसे जा भी नहीं सकता हूं? नहीं आप यहीं पे रहोगे, जब तक कंफर्म नहीं होता है कि आपके पास नहीं है, वो प्रैंक आपके पास भारी पड़ेगा। क्या पता, वीडियो क्या पता ड्रीम बॉय मिला हो सकता है। हाँ मिला हो सकता है, तभी आपके पास नहीं है, वो होगा एसजीओ के पास, पड़ोसा ड्रीम बॉय मिला उसके पास, किसको क्या पता है।
भगवान, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है मेरे। पर मैं एसजीओ को बुलाऊंगा कैसे? अगर एसजीओ के पास वो तो आएगा थोड़ी, वो आएगा थोड़ी, वो एसजीओ को बुलाएंगे कैसे हम लोग? ओ मेरे पास एक प्लान है बॉयज, मेरे पास एक प्लान है। ईशान भाई आपने नीचे रहना, ठीक है ना? यो मैं पता क्या करने वाला गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूं एसजीओ कैसे आएगा। देखो एसजीओ को मैं कुछ भी बोल दूं वो मतलब कोई चांस नहीं है। अगर एसजीओ के पास इस बार वो टोटम हुआ तो एसजीओ नहीं आने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है ना? कोई चांस नहीं है। बट वो एक चांस है गाइस मेरे पास सिर्फ, अगर मैं इलाके के आसपास के सारे बिल्ले पकड़ के लेकर आ जाऊं ना, सारे बिल्ले लाइक 8-10 बिल्ले, और उनको मैं ऐसे मारने की धमकी दे दूं ना, तो एसजीओ भागता हुआ आएगा उनको बचाने के लिए। आई एम टेलिंग यू गाइस। और उसकी किमोची कैन वगैरह वो तो मुझे दिखी भी थी भाई साफ सर्वर के ऊपर। ना ही उनको मारने की धमकी दूंगा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था ये बंदा, मुझे याद है, तभी इसने वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी। बिल्लों से ये बहुत प्यार करता। तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, इसके बिल्ले पकड़ के लेकर आते हैं एंड देन उसके बाद एसजीओ को बुलाते हैं जरा यहाँ पर। अभी मुझे कंफर्म करना है कि भाई ये किसके पास है, भाई ये कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है भाई इस होगलाला सेम्पी के अंदर। गाइस मुझे सबसे ओवर पावर बनना ही बनना है किसी भी हालत में, बस ये मेरा प्लान है, जो प्लान बाकी सबका भी होगा ऑफ कोर्स, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट गाइस, तो इसके बाद मैंने बहुत सारे आसपास के बिल्ले पकड़ के लाए जिसमें हमारी एक बहुत ही छोटू जैसी प्यारी सी बिल्लू भी मौजूद थी। एंड इसके बाद गाइस मैंने स्लैश मैसेज करके एसजीओ को बुलाने की ट्राई करी, एंड स्टार्टिंग में वो बंदा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि भाई उसी ने हैक किया या फिर उसी ने सब कुछ वाला कांड किया है। बट लास्ट में आता था गाइस मैंने उसके मुंह से उगलवा दिया, पहले तुम लोग वो देखो कि मैंने उससे कैसे उगलवाया इस चीज को, कि उसी ने मेरी इन्वेंटरी के अंदर से टोटम ऑफ अनडाइंग के रूप में जो वो की थी जिससे हम लोग इस बिलबोर्ड को बाईपास कर सकते थे, सारे के सारे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, उस चीज को चोरी किया था। वैसे कोई फायदा भी नहीं है इससे चोरी करने का, ऑनेस्टली बताओ आपको मैं, जिसने भी हैक किया, अगर आपने हैक किया भी होगा तभी कोई फायदा नहीं है। मुझे देखो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो मेरी, देख रहे हो, बिना आर्मर के घूम रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना? क्योंकि यार बिलबोर्ड का रूल हमारा चेंज हो चुका है, एंड अब अगर गाइस रूल चेंज होता तो वो आइटम भी चेंज होते जिससे लाइक हम लोग बाईपास कर सकते हैं इसके रूल को, तो भाई कोई फायदा नहीं। अब बिजली सब पे गिरने वाली है, अब वो नई आइटम ढूंढनी पड़ेगी। कुछ भी बोल रहे हो, बिजली काहे पे गिर रही है, मेरे पे नहीं गिर रही। वेट एसजीओ, और इवन आप भी मेरे को उल्लू बना रहे हो। चुप, क्या बोला आपने अभी अभी? मैंने बोला कि आप मुझे उल्लू बनाना बंद करो। पहले क्या बोला आपने? उससे पहले क्या बोला आपने? मैंने यही बोला भाई कि उससे पहले आपने क्या बोला? तुम सुनो गाइस खुद। कुछ भी बोल रहे हो, बिजली काहे पे गिर रही है, मेरे पे नहीं गिर रही। कि बिजलियां कड़क रही है तुम्हारे ऊपर तो कड़कने दो, मैं क्या करूं। झूठ बोल रहा है। एसजीओ आपने अभी भी बोला कि मेरे पे बिजलियां नहीं गिर रही, आप आर्मर पहन के घूम रहे हो ना एसजीओ? मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां देखो सामने सुजो में दिख रही है, मैं उसको मार दूंगा अभी। तो इसके बाद गाइज मैंने एसजीओ को अपने पास बुलाया, बिल्लियों को धमकियां मार मार के इन सबको मैं मार दूंगा, एंड गाइज मेरा ये प्लान काम किया। लेकिन एसजीओ ने मुझे अपने खुद के कोऑर्डिनेट्स दिए, मेरे पास नहीं आया वो क्योंकि वो डरा हुआ था, उसको लग रहा था कि कहीं मैं उसको किसी ट्रैप में ना फंसा दूं। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया कोऑर्डिनेट मुझे देकर अपने, एंड उसके बाद गाइज क्या होता तुम लोग आगे देखो, आगे बहुत ज्यादा मजा आया था क्योंकि मैं आपके यहाँ पे नहीं आ सकता, मुझे पता है आप ट्रैप में उस्ता दो, आप ट्रैप में भी फंसा दोगे, मेरे को ट्रैप आती ही नहीं है। आपने जो डीएम कर दिया है, रुको मैं देखता हूं एक बार जरा गाइस। हाँ डीएम पे कोऑर्डिनेट भेज देते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं फटाफट आ जाओ। एग्जैक्टली 69 है एंड में, पर अकेले आना, झूठ मना के मत आना। अरे भाई अकेला आता भाई, शेर हमेशा अकेला आता है। अभी देखो आ रहा हूं मैं, और बच के रहना आपने मेरे से। मैं तो बच के रहूंगा। ऑल राइट गाइस, मैंने खुद को म्यूट कर दिया यहाँ पर। अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई एसजीओ ने हैक किया है, एंड आई हैव नो आईडिया कैसे इसने मेरा अकाउंट हैक किया। बट भाई साहब अकाउंट हैक करके मेरे अकाउंट के अंदर जाकर मेरी इन्वेंटरी से सामान को निकाल कर देन ये वापस आया बंदा, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये बहुत ज्यादा इविल वाली हरकत कर दी एसजीओ ने यहाँ पे। एंड अभी मेरे पास गए, देखो मैं आर्मर तो पहन नहीं सकता हूँ, सो मेरे पास आर्मर का एक्सेस तो है नहीं है, ठीक है ना? एंड अभी एसजीओ सामने से आई थिंक डायमंड या तो नेदरराइट, अगर इसने ग्राइंडिंग करी होगी तो नेदरराइट के आर्मर के साथ होगा, अदरवाइज ये बंदा यहाँ पर होने वाला है डायमंड के आर्मर के साथ। तो तुम लोग ये मान के चलो भाई सब इससे लड़ना तो बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बट भाई अभी इतना गुस्से में हूँ मैं कि मैं ऐसे लड़ लूँगा भाई, देखी जाएगी अब तो, भगवान भरोसा सबको। चलो जय माता दी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, इस जगह पे तो मैं आ गया जहाँ पे एसजीओ ने मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बट कहाँ पर छोड़ क्या है, मतलब ऐसे बीहड़ इलाके में पहुँचा दिया इस बंदे ने मेरे को। ओह शिट ब्रो, ये वाला घर कितना अलग है। ओके ये वाली वो जगह हो सकती है जहाँ पर खुद रह रहा है अभी यहाँ पे। भाई ये जगह ना लिटरली हमारे बिलबोर्ड से 7000 ब्लॉक्स की दूरी पर है, एंड बाय द वे जो हमारा बिलबोर्ड है ना गाइस इसकी भी एक रेंज है, उस रेंज से बाहर एसजीओ जा नहीं सकता है। अगर ये जाएगा तो पावर शायद से काम ना करे, या तो फिर बिलबोर्ड दोबारा से इसको वापस रेंज के अंदर लेकर आ जाता है, इतना तो मुझे ज्ञान है इस चीज़ का, बट आई हैव नो आइडिया ये होगा इधर। ये इसी का घर है भाई, अलग घर है ये। अरे भाई ये मतलब घर पे होगा। ओ आओ साहब आओ, बड़ा चौड़ में घूम रहे थे, आओ हमें हमारे इलाके में कैसे लग रहा है आपको? बेटा ऐसा चौड़ में तो मैं रहूंगा, ठीक है ना? अब आप मुझे एक बात, भाई ये बंदा आर्मर पहन के है, आपने चोरी किया था ना, मतलब कंफर्म हो गया अभी तो।
कंफर्म हो गया ना? और क्या सबूत दूं? नीचे आ, नीचे आ, है हिम्मत, नीचे आ, नीचे जहाँ पर मैं हूँ। नीचे आने की जरूरत नहीं है भाई, आजा, नीचे आने की जरूरत नहीं हमको। अरे भाई ये बंदा एरो मारेगा, तू मार एरो मार। अरे भाई पूरा आर्मर पहन के भी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं लड़ने की क्या है? अरे मेरी हिम्मत तो निकालो ही मत, कब आ जाओ। ओ भाई 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 जाओ ना, दो दो शॉट ही मार दिए सर ऑलमोस्ट। व्हाट द हेल, पर मगे कहां पे गए? आ जाओ अभी, कौन डर रहा है बे? ओ माय गॉड, क्या था जस्ट जी? आजा आजा मेरे पीछे, तू मेरे पीछे है भाई, मुझे मार के तो दिखाओ। देखो वो चीज आपकी इन्वेंटरी में है कि नहीं, बस इतना बता दो मेरे को आप। मुझे क्या पता, अगर इन्वेंटरी में है तो मैं आपको मारने की पूरी ट्राई करूंगा। तो अभी नहीं करने वाले, जैसे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अभी नहीं करने वाले आप। कहाँ पे छुप के बैठे हो? कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। आजा दो फटके तो मैंने ही मार दिए। चढ़ के दिखाओ भाई इसके ऊपर, चढ़ के दिखाओ। तुमको क्या लगा मैं ऐसे ही आया हूँ क्या? अर्जुन की पावर दिखाता है, आज आपको कोई नहीं बचा सकता मेरे से। ओह माय गॉड, सब भाई मेरे पानी की बकेट भी नहीं मेरे पास तो। नहीं दूंगा। ओह शिट डूड, ऐसे कितने हर्ट पे, कितने हर्ट पे मेरे है, मतलब दो तीन हट है अभी तक। मतलब अभी आ जाओ ना भाई, तुमसे डरता है क्या? रीलोड दिस, ये लो सर, थोड़ा सा और खाना है आपको। बोलो सर, आप बोलो ना भाई, सब आप बोलते क्यों नहीं? ये लो ना मर के देखो ना, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, ये लो मर के देखो। ये बहुत तगड़े वाला स्ट्रेटेजी बंदे की भाई, एक एक हट दे रहा है मेरे बंदा। आ जाओ, आज सारे हट लेके जाऊंगा आज, तुम्हारा दिल हमारे हवाले है। आ जाओ किधर हो, घर चेक करने वाले, उसके घर के अंदर तो इसने वो सामान नहीं रखा कहीं। ए भाऊ क्या घर, दूसरों के घर देखते हो भाई? मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके घर के अंदर, घर के लिए भाग रहा है, इसके घर के अंदर सामान है ना जियो, घर के अंदर ना आपके के अंदर कुछ नहीं है भाई। तुम किधर हो? मेरे घर के अंदर घुसने का नहीं, मैं पहले ही बता, तुम हमको मारेगा, तुम हमको मारेगा। ये लो, इधर से आओगे, ये लो लावा में झूलस जाओ। सारी चीजें अभी मेरे इन्वेंटरी में, क्या ही कर लोगे? मार के दिखाओ, भगवान क्या करूं मैं तुम्हारा। ओ बच गया, ओ ऑलमोस्ट। जाओ जाओ लावा के ऊपर चढ़ो। चलो, ये क्या क्या स्ट्रेटेजी है, ये कौन सी पैतरे है भाई तुम्हारे? आ जाओ घूम के तो देखो थोड़ा, आ जाओ खाना खा लो, चलो खाना खा लो, आपको खाना खाने के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं। आ जाओ खाना खा लो और फिर आ जाओ, क्योंकि मार तो नहीं सकते आप मुझे, बेचारा शांत हो गया बच्चा। आ जाओ, किधर जा रहे हो, किधर जा? ओ पल मारा बेचारे ने, कहाँ पे जाओगे? मरना तो है आपको, इसलिए तो यहाँ पे आए हो वो सब। अरे भाई हाफ स्लैब की ऐसी की तैसी भाई, मैं कुछ प्लेस ही नहीं कर पाया। ऑलवेज ओपी ब्रो, हाफ स्लैब ऑलवेज ओपी। अच्छा अरे यार वहां पे ही जा रहा है बंदा, रिंगर रोजेस खेलने आए क्या हम लोग यहाँ पे? आ जाओ, अभी कूदो लावा के ऊपर, कम ऑन माय ब्रदर। आ जाओ अभी, क्या कहाँ पे जाओगे अभी, कहाँ पे जाओ? ओ आ जाओ, मैं पानी में खड़ा हूं, अभी जलाओ मेरे को, अभी कैसे जलाओगे पानी में, कैसे चलाओगे मुझे बताओ कैसे? बहुत ओवर पावर्ड है बंदा। आ जाओ ना, ओवर पावर्ड नहीं हूँ मैं, नॉर्मल पावर्ड हूँ। आ जाओ, अरे आवे, आ जाओ। ओ बच गया, आपको क्या लगता है मैं नहीं आऊंगा? गया, खुद भाग जाता है एकदम से भाई ये बंदा। ओह माय गॉड, ये वन हर्ट पे था शायद से, कितने हर्ट थे सच बोलना? ये दो हर्ट पे हो भाई। अरे यार वन शॉट, ओह शिट डूड, मैं इसको इजीली पेल सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपका जियो, आपकी जान अभी खतरे पे है भाई, गलत बंदे के साथ फंस चुके हैं। आपकी जान ना थोड़ी, अगर आप मुझे चुपचाप से जियो बता दोगे सब कुछ, यहां पे मैं आ चुका हूं। आ बच गया लड़का बचा। एक फटका तो खाओगे। वो सब
आ जाओ सर, आ जाओ, किधर हो? गुल्लू, अटैक हिम, अटैक हिम गुल्लू। ओ माय गॉड, मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम ऐसे ऐसे लड़ोगे नहीं। अरे कितने भाग रहे हो यार, अभी कहाँ पे गया वो बिल्ड बिल्ड क्लच गॉड, कहाँ पे? आ जाओ इम्पॉसिबल हो गया भाई आर्मर के साथ मारना। मैं मार सकता हूँ आई थिंक सो, एक वार में। कितने वार के हो आप? मारू, खत्म कर दो आपका, लेट्स गो, आई एम फिनिशिंग यू। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ, अगर भागना है तो अभी भाग जाओ, मुझे पता है आपकी एचपी बहुत कम है। आज तो मैं लेकर आऊंगा टोटम। क्या लेके रखोगे? मैं तो आपको छू भी नहीं पा रहा, ये देखो मैं छू नहीं रहा जानबूझ के, अभी भी आपको मैं संभाल रहा हूँ, मैं मार सकता हूँ आपको अभी के अभी। हार मान जाओ स्माइटी, कम ऑन, मैं बता रहा हूँ ये शक्तियाँ आपसे कंट्रोल नहीं होगी। मैं कैसे वैसे ही शक्तियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, पर इसका बहुत बड़ा कर्ज भी है जो मैं ऑलरेडी सहन कर रहा हूँ तुम लोगों से अनफ्रेंड होने से। कम ऑन गाइज, कम ऑन स्माइटी, कम ऑन, कम ऑन। मैं मार दूंगा स्माइटी, दिस इज द एंड। ठीक है, अगर आपको चाहिए था ऐसा ही एंड तो देयर वी गो। नाइस नाइस डॉज माय ब्रदर, नाइस डॉज। भाई सॉरी, मुझे आपको मारना पड़ेगा अगर आपने हार नहीं मानी तो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मेरा एम कभी चूक नहीं सकता। ब्रो ये क्या, ये बंदा पीवी गॉड बन गया क्या? आ जाओ, मैं तब से लेकर चुप हूँ क्योंकि मैं भागे जा रहा हूँ तब से लेकर, और मैं ना फेस कैम के रिकॉर्डिंग में रुकी हुई तब से लेकर। अरे आ जाओ, अभी कुछ नहीं होगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से भाग जाओ, अभी जो कर रहे हो ना वही करो, मेरा एक टच हो जाए आपका मर्डर हो जाएगा, आपको भी पता है। अभी अभी झूल के कुछ फायदा नहीं है भाई, झूल झूल। अरे यार ऐसे बच जाता, ये मछली लगी लगी। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या कर क्या रहे हो जीवन में? माय गॉड, अभी देखते हैं क्या कर पाते हो भाई, अभी देखते हैं क्या कर पाते हो। तुमको क्या लगा कि मैं ऊपर आ नहीं सकता क्या? आजा आजा, करो करो करो, तुम भी करो। ऐसे मरने वाले हो, आप नहीं बचोगे भाई, अभी बचना इम्पॉसिबल है, अभी बचना इम्पॉसिबल है भाई। नहीं, आपको डैमेज कैसे नहीं लग रहा मुझे बताओ, आपके पास फायर रेजिस्टेंस है? बेटे तुम्हारा भाई यहाँ पे तैयारी करके आया हुआ, तुम्हें क्या लगता है? जो वो चीज है मुझे वापस दे दो, वापस दे दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा। मेरे पास है ही नहीं भाई, मैं क्या करने वाले आप दो हर्ट पे, आई थिंक आप मेरे वन शॉट के, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बहुत नजर, मैं आपको अभी मार सकता हूँ, मैं मारूंगा नहीं, पक्का नहीं मारूंगा आपको। मुझे वो चीज दे दो, मुझे वो चीज दे दो जो मुझे चाहिए, मेरे को वो चीज दे दो, ऊपर मत चढ़ो मर जाओगे आप, इतने फास्ट नहीं हो मेरे सामने। मैं भी मार दूंगा, मैं भी मार दूंगा, जितना बोल रहा हूँ मेरी बात सुन लो, अभी आप ऊपर मत चढ़ना, मैं आपको मार दूंगा, मुझे वो चीज दे रहा वापस से जो मुझे चाहिए। एजियो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मारना नहीं चाहता था, मैं इसको मारना नहीं चाहता था, इसलिए बचा ये बंदा। अभी अरे चल, कुछ भी झूठा बोलता है, एरोज होते ना भाई, आजा आपको मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल लेता हूँ। आजा 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 ऊपर खेला जा, ये लो बॉय, ऐसे लगा बॉय, आपको क्या लगा बैनेंट है क्या ये? माय गॉड, अबे मेरा हंट होता है यहाँ पे, हम अनमोबल है, प्रोफेशनल बोलते पब्लिक हमको, ये लेको भाई क्या बोल रहे हो? आ जाओ स्माइटी, क्या ही कर लोगे, आ जाओ आ जाओ, पानी दे रहा हूँ आपके लिए, आ जाओ चढ़ के आ जाओ, हे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने अच्छे आ रहा है देखो, कितना अच्छा आ रहा है बंदा, आओ आओ आ गए आ गए, अभी बाय बाय ब्रदर। तुमने क्या किया अभी, तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आ गई अचानक से? तुम्हारा भाई पा गया, गया
मुझे वो चीज दे दो, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप मुझे वो चीज दोगे आपको जिंदा छोड़ दूंगा। अगर नहीं दोगे तो भाई डायमंड आर्मर तो मिलेगा मिलेगा, वो चीज ही मिल जाएगी, फ्री में ग्राइंड करने की जरूरत नहीं मेरे को। मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं है भाई। कैसे नूब की तरह भाग रहा हूँ पहली बार जिंदगी में भाई। तो मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं मजाक में बोल रहा था भाई, कुछ नहीं है मेरे पास कुछ ऐसे, मैं ऐसे ही बोल रहा था भाई, मैंने कुछ चोरी चकेती नहीं की है। क्या बोल रहा हूँ, आपको मरना पड़ेगा। क्या मरना पड़ेगा, ये कौन सा नया है भाई तुम्हारे यहाँ पे, मजाक करना मतलब मौत। मार्टी ऐसे आप दोस्तों को मारे हुए क्या, क्या बोल रहे हो यार, मजाक तो चलता रहता है यार। ये बंदा देखते थे, अब इसको ये सब मजाक लग रहा है ना, अब इसको ये सब मजाक लग रहा है, अब इसको ये सब मजाक लग रहा है। नहीं, जब मैं बोल रहा पहले, जब मैं बोल रहा पहले हैं, बिल्कुल ही मारेगा, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक आ गया। ऐसे मर जाओगे आप, मैं आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, आप मरने वाले। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं भागने के लिए। ऐसे मुझे दे दे, ऐसे अगर आप मुझे दे दोगे आप अभी बच सकते हो, आपके पास एक चांस दे रहा हूं मैं जिंदा रहने का ब्रो। मुझे लगता नहीं है मैं आगे रुकूंगा तो आप मुझे मारोगे, मुझे पता है मेरे पास बहुत। ये सेम जगह पे तेज कैसे भाग रहा है भाई, मैं प्रोफेशनल हूँ, भगोड़ा हूँ भाई मैं, आप मान लो यार और छोड़ दो यार मेरा पीछा। मैं सच्ची में मर जाऊंगा, मैं मर गया तो बर्बादी हो जाएगी भाई इस वर्ल्ड की। मैं बर्बादी भाई, मुझे मेरी चीज वापस चाहिए। आपने हैक क्यों किया, हैक किया कैसे, मैंने हैक नहीं किया, कोई दूसरा बंदा है जो ये सारी चीजें कर रहा है भाई, आपको क्या पता लग रहा है। देखो आर्मर आपने पहना हुआ है तो दूसरा बंदा तो नहीं हो सकता भाई। अरे नहीं भाई, आर्मर मेरे को देने वाला कोई और है, मैं थोड़ी देख के आया हूँ ये सारी चीजें भाई। एज़ियो आर्मर आपने पहना, दिस मींस वो चीज आपके पास है ना। देखो मेरे अगर किसी को एक बंदा है जिसको मैंने अगर यहाँ पे बुला लिया ना तो आपकी धजिया उड़ जाएगी भाई। दिल बुला दो, कौन है वो, कौन है भाई जी, एज़ियो मैं आपको मार रहा, आपने बहुत नजदीक, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, बहुत नजदीक आप मेरे, आपको मैं 50 बार मार सकता हूँ। यहाँ देखो पीछे, वो ऐसी चीज है कि वो ऑलरेडी आपको आदेश दे रही है और वही चीज अभी मैं आपको नहीं बता सकता, इतनी सारी चीजें भाई कुछ भी हो सकता क्या है। क्या बोल रहे हैं बंदा, अंडरस्टैंड बात किए जा रहा है, बता दे क्या है वो चीज, दे दे मेरे को, मैं आपको कपल सूत्र से मार रहा हूं। वो चीज बाहर आ गई तो आपकी बर्बादी हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। अरे भाई मेरे अंदर की चीज अगर बाहर आ गई तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, मैं आपको मारना नहीं चाहता, मैं कपल सूत्र से मार रहा आपको तब से लेके। एज़ियो दे दो, मैं भी कहां पे मरना चाहता हूं, मैं देखो तलवार भी फेंक दिया भाई, और क्या करूं आपके लिए, नहीं देना है, नहीं देना, क्योंकि वो नहीं दे सकता, मैं आपको कब से बता रहा हूँ मैं नहीं दे सकता, मैं आई एम द चोजन वन उस चीज के लिए, और उस चीज मेरे लिए बनी है। यू आर द थीफ वन, जिसने मेरी इन्वेंटरी से चोरी किया, ये लो मेरा सामान दे रहा हूँ मैं आपको, सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ भाई। ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है भागते के लिए, कितना तेज है। नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे से आपका खून हो जाएगा और मुझे वो नहीं करना अभी, मैं बता रहा हूँ। ये रे भाई भाग कौन रहा है, आजा मार दो खून करो मेरा, जो स्मार्टी मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर से अगर वो चीज, मैं कैसे, वो अगर मैंने वो चीज को बुला लिया आपका खात्मा हो जाएगा। अरे भाई अभी कौन भाग रहा है मुझे बता, कौन भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ, क्या भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरा मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ कांड हो। नहीं नहीं नहीं, खात्मा किसका है, मेरा कि आपका, मुझे बताओ ना आपका खात्मा, ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ। अरे आपका खात्मा, आप मरने वाले भाई, रुक जाओ शांति से मेरी बात सुनो। देखो अभी अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की और उसने अगर मेरी मदद कर ली तो बहुत खतरा हो सकता है आपको, मैं बता रहा हूँ। एज़ियो भाई ये मरने से बचने की अच्छी स्ट्रेटेजी यार, दूर रोक दो बंदे को, है ना। स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं है भाई आपके लिए, ये देखो भाई सब फेंक रहा हूँ मैं, ये लो शील्ड फेंक रहा हूँ आपको, ये लो मैंने इकलौता नेदर राइट का चप्पल बनाया, सब फेंक रहा हूँ आपके लिए, बोलो ये फैंक की क्या हो जाएगा, ये फैंक की क्या हो जाएगा, मुझे जो चीज चाहिए मुझे दो ना आप मुझे। चलो एक बात बताओ, हैक आपने ही किया था ना, सच बोलना, हैक मैंने ही किया था। देखा भाई मतलब मान गया, ओ माय गॉड, कैसे कैसे किया मुझे बताओ, कैसे किया मैंने, कैसे किया, क्या किया, मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ पूरा का पूरा, आपके शिमला में आके आपको लिख के देता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, कुछ करना है वो सब कुछ करता हूँ, पर मेरा पीछा अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपको भी इससे खतरा होगा, आपको भी पता है, मुझे लग रहा है इसके बाद ना खाना खत्म हो गया शायद से बंदे के पास, और ये अभी एक या दो, ये देखो खाना नहीं है, खाना नहीं खाना है, जो मार दूंगा खाना नहीं खाना, मैं खाना नहीं खा रहा, पर यार मत करो मैं सर पंगा मत करो, यहाँ से मेरा सामान लेके वापस चले जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो एज़ियो आपका सामान भी उठा दूंगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड आपका सामान उठा के मैं चला भी जाऊंगा, पर मुझे मेरा सामान दो जो असली सामान है जो आपकी इन्वेंटरी में है अभी। मेरा सामान मैं नहीं दे सकता आपको बिल्कुल भी, आप नहीं मानोगे ना, आप नहीं मानोगे मतलब मानना ही नहीं है ना आपको। एज़ियो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है।
बिलबोर्ड मचाओ मुझे जल्दी, ये मुझे मार देगा जल्दी बिलबोर्ड, तुझे बचाना पड़ेगा जल्दी आजा। हजारों बार बोला किसी को सुनना नहीं है यहाँ पे। एजियो यही सेम पावर के लिए तो मुझे चाहिए थी वो चीज। माय गॉड ये बहुत उसने मुझे क्या झटका मारा यार, मैं मरा नहीं वो अलग बात है, बट एजियो ने एक बार बुलाया उसको एक बार, और भाई बिलबोर्ड सीधा आ गया मदद करने के लिए। दिस मींस कि जिस किसी के पास का इस वाली चीज होगी ना इसको पास करने के लिए, लाइक इसको बाईपास करने के लिए, वो भाई राजा इस वर्ल्ड का। भी फिलहाल को तो एजियो इसने हैक किया भाई, इसने मेरा पीसी हैक किया भाई। पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा इसने कैसे बाईपास किया, मुझे वो चीज़ को पहले सिक्योरिटी हाई करनी पड़ेगी भाई, बहुत नूब सिक्योरिटी है मेरे पीसी की यार, सच्ची बता रहा हूँ मैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे वापस जाना पड़ेगा ईशान भाई के पास, एंड ड्रीम बॉय तो बेचारा इनोसेंट है, उसको भी जेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा, एंड इनसे थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह करता हूँ मैं। शिट डूड ये बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है, आई एम टेलिंग यू गाइस, मेरी भी बॉडी कांप रही है इस वक्त यार, मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी वापस से। Oh my God! All right, boys and girls, I am back, bro. ये जो हमारा billboard है, कि दिखने में जितना innocent लग रहा है और सुनने में जितना खतरनाक लग रहा था, bro उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। जिस किसी के पास वो power आएगी, उसको bypass करने की, उसकी मदद भी करेगा, मतलब उसको कोई touch नहीं कर सकता है, guys. ये बहुत सीरियस बात है, मुझे जाना पड़ेगा अभी और इसी वक्त ईशान भाई के पास। चल 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 चल, इधर ही पास में उन्होंने अपने घर के पास, और रुको मैं गला चला गया, उनके घर उधर के लिए आ रहा है, उन्होंने अपने घर के पास में कहीं पर वो पर्टिकुलर जेल बनाई थी जहाँ पर हमने ड्रीम बॉय को रखा हुआ है, वहाँ पर फटाफट भाग के चलते गाइस, एंड एक बार इनके साथ डिस्कस करते हैं एंड इनको बताते गाइस हम लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा ओपी लाइक नेक्स्ट लेवल प्लान बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग एसजे को टच भी नहीं कर सकते अभी। एंड ये जो पावर है गाइस जैसे हमारे शरीर के अंदर आ रही है, लाइक हमारे जैसे पास में पावर आ रही है ना, तो शरीर के अंदर इतनी कंपकंपी लग जाती है रियल लाइफ के अंदर, और भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तुम लोगों को पता होगा पिछले दो स्ट्रीम्स के अंदर मेरे पास ये पावर्स है, और मैं भाई जो कि मतलब मैं इतनी हरकतें कभी करता नहीं हूँ, गलत हरकतें, मैंने भी यहाँ पे तानाशाही स्टार्ट कर ली थी, लाइक ऐसे हुक्मगिरी स्टार्ट कर ली थी। पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, मुझे बनना तो है लेकिन ओपी यहाँ पे, मैं फटाफट जाके देखता हूँ भाई क्या चल रहा है इन दोनों का एक बारी। ऑल राइट गाइस मैं पहुंच चुका यहाँ पे गुफा के पास। ईशान भाई हेलो आवाज आ रही है, अरे कहाँ गए हो चुका, यहाँ पर ईशान भाई, हेलो आवाज आ रही है ईशान भाई हेलो। अरे यार इनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही भाई, मेरे को मुसीबत के टाइम मेरे दोस्तों की आवाज है क्यों, क्या वेट ये क्या मजाक हुआ, ड्रीम बॉय कहाँ गया, वेट ड्रीम बॉय ने कुछ स्कैम तो नहीं कर दिया अपने ईशान भाई के साथ, ईशान भाई आप अच्छा हो कि आप, ड्रीम बॉय कहाँ भाग गया भाई, स्मार्टी देखो आप बहुत बिल्ले बिल्ले करते हो सही, हाँ आज आप चूहा बने हो पता है क्या, ड्रीम बॉय आ जा लेट्स गो ब्रो, ड्रीम बॉय इज हियर बेबी, एक सेकंड इसका क्या मतलब हुआ, ड्रीम बॉय मैं 1 8 आपने ना वेट, या तो फिर दो चीज हुई, या तो फिर आप दोनों का प्लान स्टार्टिंग से था, या तो फिर अभी अभी ड्रीम बॉय ने आपके कान बहला दिए भाई। ईशान भाई अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप मेरी बात मान सकते हो, ड्रीम बॉय मुझे लग गया है पता कि आप इनोसेंट थे, वो आपके पास नहीं था ना, आपने हैक किया था, वो एसजीओ ने हैक किया था, हम लोग को पता है, हम दोनों ने किया नहीं, ये तो हम दोनों को भी पता है भाई, लेकिन अभी आप गए, अरे इसका क्योंकि अभी आपके पास आ गया है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका क्या मतलब है भाई, क्या मास्टर प्लान है ये, एग्जैक्टली ईशान भाई समझाओ ना इनका क्या उल्लू बनाया है भाई, एक सेकंड हमको पता था कि एसजीओ कभी तो आपसे चुराएगा वो, हाँ? आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठोगे, हाँ? वापस ले ही लोगे, हाँ? तो हम रेडी थे कि आपको बाद में फंसा के आपसे वापस चोरी करने। माय गॉड ईशान भाई आपने मुझे बोला था, देखो मैं दो हट पे प्लीज, देखो ऐसा है तुम लोगों ने, आपने ईशान भाई मुझे बोला था कि मैं सिर्फ आप पे विश्वास करूं और ड्रीम बॉय पे विश्वास ना करूं, एंड देन मैं ड्रीम बॉय के पास गया, ड्रीम बॉय ने एक्टिंग करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि ड्रीम बॉय पे शक जाए और लास्ट में उसको यहां पे
जेल में डाल ले और फिर उसके बाद ओ शिट इतने बड़े प्लेट या बेबी मैं हूँ नीलिया चोर ड्रीम बॉय और ये मेरे साथ सफेद और काले चोर खतरनाक ईशान भाई। अभी आप गए स्मार्टी भाई, चुपचाप निकालो मेरे पास नहीं है वरना एक फटका देंगे लावा में गिर जाओ। मैं दो हर्ट पे हो गाइस, मुझे मारना मत ठीक है ना, मेरी बात सुनो। मेरे पास नहीं है, मैं यही बताने के लिए भागता आया। ए भाई, अरे भाई अगर अभी मैंने मारा ना तो भाई मर जाओगे, बिलबोर्ड है ये, पता नहीं फिर आपके साथ विल्ले कुछ और सीन हो जाए, समझ लो भाई, निकाल लो। मेरी बात मानो आप लोग आई एम टेलिंग यू गाइस कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ आप लोगों को। क्यों नहीं है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। भाई मैं एसजीओ के पास पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर था, मैंने उससे फाइट करी, मैं मरते भी बचाऊँ, पर लास्ट में तुम लोगों को बताया मैंने उसको भगाया मारते हुए। भाई उसने ना बिलबोर्ड से मदद मांगी और लिटरली बोल रहा हूँ बिलबोर्ड ने उसकी मदद करी है। और भाई जो मुझे मारा है ना एक फटके में, मेरा 8 हर्ट गए लगभग, मैं जो भागा वहां से उसके बाद, मेरे पास नहीं है यार। ईशान भाई आप देख रहे हो, मतलब जिन लोगों ने मास्टर प्लान बनाया, जिन जो लोग पागल बना रहे हैं उनको ही पागल बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। क्या सीन है स्मार्टी, देखो चुपचाप से उनपे वैसे भी हेल्थ नहीं है, खाने का भी नहीं है, मारेंगे खुद मर जाएंगे। मार लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ मारो। मैं 1.5 हर्ट गाइस, तुम दोनों को चाहिए क्या, मुझे बस इतना बता दो। हम लोग को तो टोटम चाहिए क्योंकि हमें आप किसी पे भी भरोसा नहीं है। मेरे पास टोटम नहीं है, मैं सारा सामान फेंक दूंगा। लो मेरे इन्वेंटरी पे जितना भी सामान है मैं सारा का सारा फेंक दूंगा, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये बस इतना ही सामान है, थोड़े बहुत टूल्स मैं रखने वाला अपने पास। भाई ये क्या कचरा भर के, बाकी तुम लोग देख लो। मेरे पास सिर्फ 3 चीजें बचे, लो शील्ड भी दे रहा हूँ ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक स्वॉर्ड है, एक एक्स है और एक पिकैक्स है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है मेरे पास इसके अलावा ठीक है। यार इनका तो सही में नहीं है, इन्होंने लिटरली अपनी पूरी इन्वेंटरी फेंकी है अभी, और नहीं तो क्या भाई, इन्होंने पूरी इन्वेंटरी डाल तो दिया लेकिन मेरे को फिर भी इनके ऊपर यकीन नहीं है भाई, क्योंकि इतना ज्यादा खतरनाक चीजें कर देंगे ना, मेरे को पता है। अब यकीन क्यों नहीं है भाई, अरे घंटे पे गया यकीन, मेरे को डाला था ना आपने उस बेड के वहाँ पे, अब आप जाओगे, चलो बेटा वरना अभी खत्म कर दूंगा मार मार के। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, स्मार्टी गलती की आपने, मेरे पास जाना चाहिए। मेरे पास नहीं है ड्रीम भाई, मेरे पास नहीं है, मेरी इन्वेंटरी खाली है भाई। ये देखो आपके लिए मस्त ब्रिज बना देता हूं, जाओ। एग्जैक्टली भाई, जाओ गाइस, मेरी बात सुनो, जो मैंने वहाँ पर चीज देखी है ना अभी, जो मैंने वहाँ पर वो चीज देखी है, अगर उस मैं कूद नहीं सकता, मैं नीचे गिर जाऊंगा भाई गलती से भी अगर, तो मैं मेरी बात सुन लो तुम लोग कि भाई अगर गलती से भी अगर मतलब अगर एसजीओ यहाँ पर आ गए, वो इस वक्त बहुत ओवर पावर्ड है, मेरी आंखों के सामने भाई उस बिलबोर्ड ने जो मदद करी उसकी, भाई साहब लेजिट बता रहा हूँ भाई, मेरे गूज़बम्स आ गए बॉडी में भाई, यकीन नहीं हो रहा अभी तक क्या हुआ वो। ऐसी बात है ना, तो रुको मैं बिलबोर्ड जाके चेक करके आता हूँ ठीक है, आप देखो ऐसी बात है ना भाई ठीक है। अरे तो बिलबोर्ड ने तो मदद कर दी है एक बार उसकी, अभी क्या चेक करेगा। अरे यार ईशान भाई आप भी ड्रीम बॉय की बातों में आ गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रीम बॉय ने आपसे बाद में बात करके आपको भैला फुसला तो नहीं दिया गलती से भी। अरे ये ड्रीम बॉय के थोड़े प्लान्स बड़े रहते तो उसके साथ लेके मैं सीख गया चीजें। अरे exactly यार, आपको मैं बता रहा हूं। आपने कर्मा का नाम सुना है क्या, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, वही आपके साथ हुआ जो आपने मेरे साथ किया था, देखो मैं इनोसेंट था बट हुआ ना। अरे तो अब मुझे यकीन हो गया था, मैं भागते भागते आया था आपको जेल से छुड़ाने के लिए। आधा घंटा ईशान भैया एक काम करो ना, आप ना स्मार्टी भाई से राइट क्लिक तो करवा दो बेड पे। अरे इसमें क्या है, मैंने कर दिया, तो क्या बात कर रहा है, कर दिया मैंने भाई जी यार। ए भाई करवर दी नहीं दिया, मेरे को सब पता है आपका दिमाग क्या चल रहा होगा, मैं बताऊं क्या चल रहा होगा, आपका दिमाग ये चल रहा होगा कि बेड तोड़ के मर जाऊंगा और बाहर सब स्पॉन हो जाऊंगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई। भूल गए क्या, बिल बोर्ड के पास साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई मरेगा फालतू में तो उसके साथ होगा लफड़ा कि वो कोई भी अलग से भलती जगह स्पॉन हो जाएगा। ये चाहते हो वाला रूल कब आ गया भाई, सोचो स्मार्टी आप हो जाओगे स्पॉन सीधा प्रिजन में, वहां से तो निकलना आपको पता है क्या मुश्किल गया था लास्ट टाइम। ओह शिट डूड, ईशान भाई सुनो मेरी बात, आपको ना आपका ब्रेन वॉश कर दिया ड्रीम बॉय ने, आप मेरे साथ रहोगे तो मैं बता रहा हूँ सबसे ओवर पावर बनने वाला हूँ मैं, आई एम नॉट इवन जोकिंग। ओह मतलब अभी तक आपको ओवर पावर बनना ही है यार। अरे ओवर पावर तो बनना है ना, वो तो सबको बनना है। ड्रीम बॉय वही बोलता था स्मार्टी बॉय को पावर चाहिए। देखो मुझे हर बार पावर नहीं चाहिए, पर मुझे जिंदा रहना है, जो कि आप लोगों को भी जिंदा रहना है। तो हमने कहा आपको मारा है अब तक, देखो आपको जिंदा ही रखा तो मैंने बड़ा मारा था ड्रीम बॉय को यहाँ पे यार। ड्रीम बॉय बहुत बार मारा है, देखो इससे भी मैंने एक बार भी नहीं मारा उसको। हाँ एक बार को जेल भिजवाया था मैंने, बट वो भी एक अच्छे के लिए भिजवाया था मैंने जेल, क्योंकि यार मेरे को बिलबोर्ड को थोड़ा सा चैलेंज करना था उस टाइम पे, और अभी जो मैंने देखा है भाई वो आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ एसजीओ आएगा और इतनी पावर लेकर आएगा कि आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, लाइक खड़े भी नहीं हो पाओगे इसके पास, आई एम टेलिंग यू। स्पाइडर भाई देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं तो बेवकूफ तो मुझे अब तक बनाया गया है,
ड्रीम बॉय ने उल्टा सबसे कम बेवकूफ बनाया मुझे, तो यार बेवकूफ तो मैं भी बनाऊ ना इतनी बार शान भाई। भाई आपने बनाया है बेवकूफ बने नहीं, मैंने आपको नहीं बनाया था बेवकूफ, वो याद है उस टाइम पे जब वो टूटा, किसकी वजह से टूटा है पता है क्या यार, वो तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं ना, वो तो मेरे को ड्रीम बॉय के साथ मिलकर प्लान बनाना पड़ा मेरे को यार, मैं बताक नहीं कर रहा, वो सब चीजें ना मतलब ऐसी बनी है इस एसएमपी के अंदर कि मतलब ओवरऑल मतलब मैं फंसी गया। हेलो, इसको क्या रिच किया है इसको? ईशान भाई सुनो, हाँ हाँ भाई, जो बिलबोर्ड का मेन वाला बड़े वाला रूल है ना वो चेंज हो गया है। व्हाट? मतलब आर्मर वाला? यस, उधर आर्मर के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे पता क्या लिखा है? क्या लिखा है? ब्रो ये मैं बता नहीं सकता मैन। अरे बता दे भाई। नो ईशान भाई आप यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आ जाओ। से बताओ ना पहले रूल बताओ, तो मैं फटक से आ जाऊंगा। अरे भाई बता दे, मैं भी सुन लूंगा, मैं जेल के अंदर कैप्चर हूं, मैं क्या ही करूंगा यहाँ पे खड़े खड़े, बता। आप बस मेक श्योर करो स्मार्टी भाई वहां से एस्केप ना कर पाए। भाई मैं एस्केप करूंगा तो मैं मरने के बाद कहीं और भलती जगह पे स्पॉन हो जाऊंगा, मुझे पता है, नहीं आऊंगा भाई, बता देना क्या रूल है, जल्दी बताओ भाई। ईशान भाई यहाँ पे लिखा है दिस एसएमपी इज नाउ चेंज्ड, और उसके बाद एक इक्के का पत्ता है भाई जिसके अंदर एरो जा रही है दिल के पार। इक्के का पत्ता? इक्के का पत्ता, आई डोंट नो, एस ऑफ हार्ट, समझा मुझे, मतलब हार्ट वाला। हाँ, और उसके नीचे लिखा हुआ डू ऑट है भाई, कुछ अजीब ही खतरनाक चीज है। रुको, इसका मतलब ड्रीम बॉय अभी हम लोग आर्मर पहन सकते हैं। वेट, आपके पास आर्मर है, पहन के देखो। वेट, मैं चट्टी पहन के देखता हूँ। पहनो, ओ माय गॉड ब्रो, कुछ हो रहा है, सीरियसली कुछ हुआ मुझे अब तक। लेट्स गो बेबी, भागना मत, जल्दी चेक कर लेता हूं, मैं भी पहन के देखता हूं। अरे मेरे पे तो आर्मर ही नहीं है, मेरे पे पूरी घर में इन्वेंटरी पड़ी है। अरे ये चली गई यहां से, मैं अब कहां फंसा दिए इन्होंने मेरे को। स्मार्टी भागना मत, कहीं अजीब जगह चले जाओगे, और अभी हम लोग के पास आर्मर भी है, ठीक है, याद ध्यान से दो। हे बिलबोर्ड, तू नाराज मत हो मेरे से यार, मैंने क्या मतलब, मैं तेरे को बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, बड़ा करूंगा भाई, ये क्या हो गया यार। अरे यार गाइस, बिलबोर्ड का नया रूल चेंज हो गया, दिस एसएमपी हैज नाउ बीन चेंज्ड, वो लिखा हुआ था, एंड आगे इक्के का पत्ता है। अब देखो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा सामने, इमेजिन मैं कर रहा हूँ सामने इक्के का पत्ता जिसके अंदर एक एरो जा रही है, दिस मीन्स हर्ट, जिसके अंदर से एरो जा रहा है, ठीक है ना, एंड दिस एसएमपी हैज नाउ बीन चेंज्ड, और वहां पे लिखा है डू और डाई। इसका क्या मतलब हुआ लाइक वो इक्का दिल, देखो माइनक्राफ्ट के अंदर दिल गाइस सिर्फ और सिर्फ हमारे ये इन्वेंटरी के हर्ट्स होते हैं, लाइक ये नीचे वाले हर्ट्स, ठीक है ना, और अगर इस हर्ट के अंदर एरो जाएगा तो वो हर्ट कम हो जाएगा, एंड वहाँ पे लिखा है डू और डाई, करो या मरो, यानी कि हमको दिल के अंदर एरो मारना है वरना तुम मर जाओगे। ब्रो दिस इज सो कन्फ्यूजिंग, बट आई थिंक ये क्या मतलब हो सकता है इस चीज़ का ब्रो, ये बहुत, वेट, नो वे डूड, गाइस ये जो भी रूल चेंज हुआ है ना, देखो रूल चेंज होने की वजह से क्या हो गया है कि वो जो ओवर पावर्ड चीज थी एसजीओ के पास, जो वो आर, जब मैं अभी आ रहा था ना, अभी जब जेल के लिए आ रहा था मैं, तो वहां पर सेम रूल था, क्या बोलते हैं ये वाला आर्मर ना पहनने वाला, और गाइस अभी जस्ट चेंज हुआ, दिस मीन जो एसजीओ के पास पावर है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जैसे रूल चेंज होता है तो वो जो बाईपास करने वाली चीज होती है, जो इस रूल को बाईपास कर सकती है, वो हर बार चेंज हो जाती है गाइस, एंड चेंज होने का मतलब है, तुम लोग समझ जाओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अभी एसजीओ उतना ओवर पावर्ड नहीं है, वो चीज दोबारा से बाहर आ चुकी है, आई हैव टू एस्केप दिस प्लेस, बट यहां से मैं बाहर जाऊंगा कैसे, यहां से बाहर जाना इम्पॉसिबल है भाई मेरे लिए, आई एम टेलिंग यू गाइस, बट मुझे लग रहा है गाइस उसका मतलब क्या है, वो हर्ट्स में लाइक ऐसे एरो मारने वाला, आई थिंक यहां पर इसका मतलब है एक दूसरे को मारकर एक दूसरे के हर्ट्स चोरी करना। तुम लोग अगर समझे गाइस तो कमेंट सेक्शन में अभी और इसी वक्त मुझे बताओ तुम लोग क्या समझे हो, अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो का कमेंट जरूर करना। आपकी आवाज कहाँ पर हो आप? हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है, इन लोगों ने मेरे को भी पकड़ रखा है यार फॉर सम रीजन। व्हाट द हेल,